कृपया ध्यान दीजिए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अमृतसर जाने वाली यह गाड़ी स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस है। बिना सब्सक्राइब का बटन दबाए और बेल का बटन दबाए इसमें यात्रा करना दंडनीय अपराध है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2। इसमें जो है इलेक्ट्रिफाइड लोकोमोटिव इंजन लगा हुआ है और उसके बाद अपने जो है 18 कोचेस, चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार है। इंजन के साथ लगा हुआ है जनरेटर कार। ओके गाइस, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और फिर एक बार न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं आपका स्वागत करती हूँ एक्सट्रीम रोड्स पे। और आज का सफर फिर एक बार मैं आप ही के लिए कर रही हूँ। रश रश है क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। एक्सक्यूज मी। दोस्तों तो 12029 में आपका स्वागत है। जी हाँ, इस ट्रेन को मैं बोर्ड करने वाली हूँ न्यू दिल्ली से अमृतसर के लिए। फिर एक बार हम अमृतसर जाने वाले हैं और स्पेशली मैं सिर्फ आप ही के लिए स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस बोर्ड कर रही हूँ। हमने जो दिल्ली टू अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस की थी अनुभूति कोच में, उसमें क्या अंतर है इसमें बताऊँगी। और यहाँ पर मैं स्पेशली चेयर कार में जा रही हूँ, तो लेट्स सी क्या अनुभव रहेगा। वैसे ये 7:20 को यहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकलने वाली है और अमृतसर पहुँच जाएगी 1:45 को। करीबन 6:25 का रास्ता तय करने वाली है, 6 हॉल्ट्स लेगी और 449 किलोमीटर का रास्ता ये तय करेगी। और अमृतसर टू न्यू दिल्ली जो ट्रेन आती है वो है 12030। ये जब लौटेगी तब वो हो जाएगी वैसे ही। दोस्तों, सफर चाहे जैसा भी हो उसमें उत्तेजना, आशंका और बहुत सारा रोमांच छुपा होता है। अब जब सफर को मंजिल तक ले जाना है तो कुछ साधन का साथ होना भी जरूरी है और रेल मेरे यात्री होने का पूरा एहसास कराता है। वाओ, तो हमारी ट्रेन चल दी दोस्तों, तो इस सफर का भी मजा लेते हैं जैसे हम हर सफर का मजा लेते हैं। Our Indian Railway. तो आप लोगों को ये बता दूं कि ये ब्लॉग जो है वो करतारपुर के बाद आया है क्योंकि एडिटिंग का वक्त नहीं रहता, इसलिए इस ब्लॉग को मैं बाद में रिलीज़ किया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आपने तो देखा ही होगा करतारपुर का ब्लॉग। ऐतिहासिक पल है जब हम इस कॉरिडोर को ओपन करते हुए, बस सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी है। वैसे दोस्तों, हम लोगों की ये ट्रेन जो है पूरी की पूरी वातानुकूलित ट्रेन है और इसमें जो है एग्जीक्यूटिव चेयर कार और चेयर कार होते हैं। एग्जीक्यूटिव चेयर कार के बेसिकली 1650 रुपये हैं और ये डायनामिक फेयर नहीं है, लेकिन चेयर कार के डायनामिक फेयर है हम लोगों ने पे किया है 1025 और माइनस कर दीजिए 233 रुपीज़, मतलब 787 रुपीज़ के आसपास जो है उसका बेस फेयर है। वैसे आप लोग अगर चाहें तो विदाउट फूड भी बुक कर सकते हैं, तो उतना आपका अराउंड 300 रुपीज़ के आसपास कट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो पहला अंतर शताब्दी एक्सप्रेस में और स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस में क्या है, वो ये है कि शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो ऑल डेज चलती है और स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो थर्सडेज को नहीं चलती है, बाकी दिन चलती है। Thank you.
मिलेगी और चाय के साथ क्या क्या मिलेगा मैं बताऊंगी। मारी उसके बाद ओके इसमें मिल्क पाउडर है और आप चाहें तो चाय या कॉफ़ी ले सकते। जंक्शन पहुंच चुके हैं और एग्जैक्ट राइट टाइम पर है ये 9:50 हुए हैं। 2 मिनट का हॉल्ट होता है। वैसे कि आप लोगों को पता है कि अंबाला कंटोनमेंट जो है वो यहीं पर है और इसीलिए इसका नाम अंबाला कैंट जंक्शन है। और वैसे अंबाला कंटोनमेंट जो है वो 1843 में एस्टैब्लिश हुआ था और यहाँ पर आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों का सेटअप है। वेल दोस्तों, मेरा जो शताब्दी एक्सप्रेस का ब्लॉग था जिसमें अनुभूति कोच का मैंने आपको अनुभव कराया था, उसमें मैंने अंबाला के बारे में और भी बातें बताई हैं और जो भी दूसरे स्टेशन होंगे उसके बारे में मैंने उसमें ही बताया, तो आप उस ब्लॉग को भी देख सकते हैं। इसमें मैं कुछ एडिशंस करूँगी। वैसे यहाँ पर जो है साइंटिफिक और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेजर है अंबाला कंटोनमेंट। अक्सर लोग जो हैं पानी के लिए दौड़ते थे स्टेशन पर बॉटल ले लेकर के, लेकिन यहाँ पर प्यूरीफायर है, आरओ प्यूरीफायर, और वहाँ पर आपको आराम से जो है 300 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर आपको मिल सकता है। और देखिए 300 ml 1 रुपी में और रिफिल कराओगे तो विथ कंटेनर 2 रुपीज में। एंड आपको बता दूं वापस इजी व्लॉग में मैंने वो व्लॉग में भी बताया था कि आपको 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे छोले भटूरे। पंजाब, हम हैं अभी राजपुरा जंक्शन पर और यहाँ पर भी 2 मिनट के लिए ये ट्रेन रुकने वाली है। वैसे ये 10:18 पर ये ट्रेन यहाँ पर आती है और 10:20 को यहाँ से चल लेती है। और वैसे अब मैं ये तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन बस आप स्टेशन पे आते हैं ना तो एक तरफ ओल्ड राजपुरा है और एक तरफ न्यू राजपुरा सिटी है। ओके, तो ये है राजपुरा से और ये कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी झील है और फिर रोड साइड पे ही है ना, रोड साइड पर झील है। ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, इनको भी झील का नाम नहीं पता है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। ओके गाइस, सो दिस इज़ योर वैशाली द फर्स्ट फीमेल ट्रेन ट्रैवल व्लॉगर और आपका अगेन मैं स्वागत करती हूँ हमारी इस खूबसूरत स्वर्ण जयंती शताब्दी में। Thank you.
लुधियाना आने वाला है, वैसे 8 मिनट डिलेड है ये ट्रेन और 11:29 को ये पहुंचनी चाहिए थी, थोड़ी लेट होगी, इट्स ओके, मेकअप कर लेगी। और वैसे ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा ट्रेन यहीं पर खाली हो जाती है। ओके दोस्तों, तो लुधियाना स्टेशन आ चुका है, तो हम लुधियाना जंक्शन पर है और ये जगह जानी जाती है वैसे तो मेरे पहले वाले शताब्दी एक्सप्रेस के ब्लॉग में आप देख चुके होंगे, इसके बारे में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, इसमें भी थोड़ी बहुत दे देती हूँ। वैसे ये जाना जाता है वुलन के लिए, यहाँ पे लार्जेस्ट वुलन मैन्युफैक्चरिंग होता है और यहाँ के स्वेटर्स बहुत खूबसूरत होते हैं। वैसे होजियरी के लिए भी लुधियाना माना जाता है। हमारे पास कैप्टन अमेरिका का मास्क है, कम है। एंड नाउ यू कैन से कैप्टन अमेरिका। यस। ओके दोस्तों, तो हम लोग हैं एसी चेयर कार में और एसी चेयर कार का सेटअप कुछ ऐसा होता है कि एक तरफ 3 सीटें होती हैं और दूसरी तरफ 2 सीटें होती हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रही हैं। और जो है एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 2x2 होती है लेफ्ट एंड राइट साइड पर, ये डिफरेंस है। कुशन वैसे ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट लेग स्पेस का मिलता है। और लास्ट की सीट यहाँ पर, जैसे कि 77 सीट्स होती है इसमें और 56 सीट्स होती हैं एग्जीक्यूटिव चेयर का। ओके दोस्तों, तो आपके पास ये पावर प्लग है जहाँ पर आप चार्जिंग कर सकते हैं, एक ही पावर प्लग है 3 सीट्स के बीच में और 2 सीट्स के बीच में। फिर आपको LCD स्क्रीन मिलेगी जिसमें कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ट्रेन कब आने वाली है, कब जाने वाली है, लेट है नहीं है, व्हाटएवर, किलोमीटर कितने अभी चल रही है ट्रेन, वो सारी इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा जो है ऊपर आपको लाइट्स है, स्टडी लाइट्स, जिसकी वैसे ज़रूरत तो पड़ती नहीं है दिन के टाइम पे, एक चल रही है एक नहीं चल रही। और यहाँ पर जो है जो सीट्स है वो पुश बैक सीट्स है, विंडो में सनशेड विंडोज भी हैं और ये बीच में भी अटक जाते हैं, देखिए ऐसे हाफ भी रख सकते हो। तो ट्रे कैरियर्स भी हैं यहाँ पर। इस ट्रेन में टोटल जो है C1 से लेके C14 तक चेयर कार होती है और फिर 3 जो है एग्जीक्यूटिव चेयर कार होती है, E1, E2, E3, तो टोटल 14+3 17। और एक गार्ड कोच होता है अटैच विथ इंजन, उस तरीके से होता है। कई बार ये होता है कि 20 कोचेज ऑल टुगेदर हो जाते हैं क्योंकि CE1 और XR2 इस तरीके से भी कोचेज इसमें ऐड होते हैं, तो उस तरीके से 2 कोचेज और एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो 20 हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली 18 कोचेज में। थोड़ा टहल्ला टहल्ली हो जाए क्योंकि खाते खाते पता चला कि डाइजेशन ही नहीं हुआ। ट्रेन के साथ ये बेस्ट चीज़ होती है, जो चीज़ मुझे प्लेन में नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि ट्रेन में आप आराम से घूम सकते हो, बच्चों के लिए तो बेस्ट होता है, वो इसमें चहल पहल कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। पेंट्री कैबिन है यहाँ पर जहाँ पे ओवन में हीट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, और फिर हमें सर्व होता है, वैसे तैयार नाश्ता होता है जो स्टेशन पर बोर्ड इन होता है। तो पूरा ट्रेन की इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसी से चलता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेरी समझ में नहीं आएगा। ब्लॉग में थे कौन से, दिल्ली टू कटरा में, और ये ट्रेन की सेवा करते हैं और हम सब लोगों को टाइम पे खाना देते हैं और हमें खुश रखते हैं। ओके ग्रेट। हमारे जो ट्रेन के साथी हैं वो सारे अपने ट्रेन के ब्लॉग्स देखते हैं, खुशी होती है ये जानकर कि ट्रेन के स्टाफ, रेलवे के जो स्टाफ होते हैं वो लोग भी हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, और बस इसीलिए तो हम ब्लॉग बनाते हैं ताकि सारे लोगों को हम खुश कर सकें, उन्हें इन्फॉर्म कर सकें, सारी जानकारी दे सकें और खुशियाँ बांट सकें। फगवाड़ा आ चुका है, वैसे इसे आना चाहिए था 12:02 को, लेकिन ये थोड़ी ट्रेन लेट चल रही है।
और 2 मिनट में यहाँ से चल देने वाली है। बेचारी एक जो है जिसको लुधियाना उतरना था वो भूल गई कि लुधियाना कब आया और अभी फगवारा पर उतर जाएगी। और एक वंदे भारत के स्टाफ है। हम चारों की टीम में रहती है। अच्छा, भी आप शूट कर रहे थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते। जी नमस्ते आप सब लोगों को मेरी तरफ से, इनकी तरफ से, और वंदे भारत एक्सप्रेस भी देख लीजिएगा दिल्ली टू कटरा वाली। ओके दोस्तों, ट्रेन तो चल दी थी इसीलिए मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टेशन पे नहीं दे पाई, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन वो भी दे रही थी कि कोई भूल गया था। तो भाई आप जब स्टेशन आने वाला हो उसके पहले थोड़ा सा ध्यान रखिए, सो मत जाइए, क्योंकि आपका स्टेशन अगर चला जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। एनीवे, तो फगवाड़ा में आपको NRIs काफ़ी दिखाई देंगे और यहाँ पर घर काफ़ी खूबसूरत होते हैं, यहाँ का आर्किटेक्चर काफ़ी खूबसूरत होता है और ये ऑल्सो इसे कहा जाता है पैरिस ऑफ पंजाब, है ना। मजेदार बात ट्रेन की ये होती है कि आप घूमते फिरते गुफ्तगू करते हुए आप ट्रेन का सफ़र पार करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा पेंट्री में बैठे हुए हैं और थोड़ी चाय की चुस्की भी ले लेंगे। आवाज़ आपको आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन दिल्ली की तरफ बेसिकली टैग शुरू कर दिए गए हैं ताकि अगर टिकट चेकिंग के लिए टैबलेट्स होते हैं इनके पास और उसमें आप जो है कन्फर्म कर सकते हैं कि वो लोग देखते हैं कि आपकी टिकट है कि नहीं है। हम लोग जो हैं अभी जलंधर आ चुके हैं। वैसे जलंधर जो है 12:25 को आता है, थोड़ा ट्रेन लेट है 8 मिनट, बट ठीक है चलता है, बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है ना। वैसे जलंधर माना जाता है बिगेस्ट स्पोर्ट्स हब। क्या आपको ये पता है कि जो हैंड टूल्स हैं वो जलंधर से जाते हैं और रॉल्स रॉयस का भी हैंड टूल जो है वो जलंधर से जाता है, आपको पता था ये नहीं ना। और वैसे दोस्तों अगर आपको सुल्तानपुर जाना है, वैसे मैंने मेरे सुल्तानपुर लोधी वाले व्लॉग में बताया था। हाय, आर यू माय सब्सक्राइबर? यस। ओके, ही इज माय सब्सक्राइबर। और जलंधर उतर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं अभी? जलंधर से मैं दिल्ली। अच्छा आप जलंधर, ओके ग्रेट, नाइस मीटिंग यू। सो व्हेन यू आर अपलोडिंग दिस वीडियो? दिस वीडियो मे कम आफ्टर माय करतारपुर व्लॉग। ओके सो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब आप मिलते हैं आपके सब्सक्राइबर्स से, पता नहीं कहाँ से किधर से आ जाते हैं और थोड़ी खुशियाँ मुझे भी बांट के चले जाते हैं। तो मैं भी आपको थोड़ी सी खुशियाँ बांटती हूँ और उसके साथ मैं ये बता देती हूँ कि अगर आपको सुल्तानपुर लोधी जाना है तो आपको जलंधर पे आप उतर सकते हैं और जलंधर से आपको बस की सेवा मिल जाती है और यहाँ से काफ़ी ईजी हो जाता है सुल्तानपुर लोधी जाने के लिए। अमृतसर से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है अगर आप रेंटकार नहीं किए हुए हैं तो, बाकी रेंटकार करते हैं तो 1.5 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। अराउंड 76 किलोमीटर का रास्ता है। जल्दी ये हमारे साथी हैं जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान को पूरी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। ये हमारे नए दोस्त हैं यहाँ पर जो कि पैसेंजर हैं और हमारे साथ यहाँ पर अच्छी दोस्ती हो गई है। तो ट्रेन एक वैसी चीज़ होती है जहाँ पर आप स्ट्रेंजर्स से जो है स्ट्रेंजर फ्रेंड्स हो जाते हैं और फिर जो है वो रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है। मैं कई लोगों से ऐसे मिली हूँ जो लोग जो है मुझे ट्रेन में मिले थे और आज की तारीख में हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो अब हम एंटर करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास में बेसिकली 2x2 चेयर होते हैं और जो है हम इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे 2 चेयर होती हैं और राइट हैंड साइड पे 2 चेयर होती हैं। हेलो, आर यू एंजॉयिंग योर राइड इन दिस ट्रेन? Very comfortable. It has a recliner seats, no? Achha. Yeah, very recliner. Achha. Very it has a back pushback. Very cool. Okay, that's great. I'm Deepak Arora. Okay, and you're going to? Compressor Productions. Okay. मुझे अभी recently पता चला कि गोल्डन टेम्पल तो नाम दिया गया था ब्रिटिशरों ने उसको, लेकिन वैसे उसका नाम हरि मंदिर है, श्री हरि मंदिर साहब है। तो मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने वही मेंशन किया है कि जो है नो आई एम अ ब्लॉगर, आई गिव इंफॉर्मेशन ऑन टूरिज्म। दोस्तों ये ब्यास नदी है जो अभी हमने क्रॉस की है और अभी ब्यास स्टेशन आने वाला है और हम बहुत ही खूबसूरत जेंटलमैन से अभी मिले जो कि उनका नाम है दीपक अरोड़ा जी और उनकी बहुत ही बड़ी देन है इंडिया के लिए। इसके बारे में बात हम फिर कभी करेंगे जब वो फुर्सत में हमारे साथ बैठेंगे। CCTV कैमराज भी हैं, पैसेज में भी है, ओके, और इवन कोचेज में भी है।
ओके, और इवन कोचेज में भी। दोस्तों, व्यास पंजाब का एक रिवर फ्रंट शहर है जो अमृतसर जिले में आता है। यह शहर राधा स्वामी सत्संग का मुख्यालय भी है। अमृतसर आ चुका है। आई लव यू टू राधा। यस दोस्तों, अमृतसर आ चुका है। वैसे मैं राह देख रही थी कि मुझे लंच मिल जाए, लेकिन वेल, ये आपको बता दूं कि इस ट्रेन में, स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस में, आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, टी मिलेगी, लेकिन लंच नहीं मिलने वाला है। ओके गाइस, तो आप लोगों ने मेरे अमृतसर का ब्लॉग तो देखा ही होगा, 12 आवर्स इन अमृतसर। यस, और आगे भी कुछ अच्छा ही, आपने तो ब्लॉग देखा ही होगा करतारपुर वाला, तो अभी तक फिर तो आपको पता होगा कि मैंने क्या क्या किया होगा उसमें। ओके गाइस, सो दिस वाज शाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कैप्टन अमेरिका भी अच्छा लगा होगा आपको, और जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल का बटन दबा दीजिए, और शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। ये है अमृतसर स्टेशन।